हेलो फ्रेंड्स, के जे पटेल की चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम इजी तरीके से हम पाव भाजी कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है और 2 चम्मच जितना बटर, उसके बाद मैंने तुरंत 1 कप जितना बारीक कटा हुआ ओनियन डाल दिया है। उसके बाद आपको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद आपको कैप्सिकम को ऐड करना है। कैप्सिकम को भी आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा 2 या 3 मिनट के लिए। आप इसको ढक कर भी फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 कप टमाटर, स्वाद अनुसार नमक और पाव भाजी का जो मसाला है वो आपको 2 चम्मच ऐड करना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको 2 या 3 मिनट के लिए पका लीजिएगा। उसके बाद आपको पाव भाजी के जो वेजिटेबल्स है उसको आपने बॉईल किया है तो उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए ढककर धीमी आँच पर। हमारी ये पाव भाजी रेडी हो गई है। अभी हम तवे पर पाव को कैसे फ्राई करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना बटर लिया है, चपटी सा मैंने पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आपको पाव को कोई भी एक साइड रख कर आपको अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलट कर आप इसको फ्राई करिएगा। घर पर आपको पाव भाजी मसाला कैसे बनाना है वो भी मैंने यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाकर आप पाव भाजी मसाला की रेसिपी देख सकते हैं। तो हमारी ये पाव भाजी रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी चैनल पर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आपको तुरंत पता चले मेरी हर न्यू वीडियो के बारे में। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।